दिल्ली में फलानी जगह आग लग गई है। फायर टेंडर की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि फायर टेंडर वक्त पर नहीं पहुंचे। फोन उनकी तरफ से लगातार किया जाता रहा फायर स्टेशन, किसी ने फोन नहीं उठाया। क्या वाकई में ऐसा होता है? फायर कर्मी देरी से वहां पर पहुंचते हैं, फोन कोई नहीं उठाता है। किन परिस्थितियों में वाकई में जो फायर कर्मी होते हैं वो काम करते हैं? फायर स्टेशन पर कॉल आने की स्थिति में किस तरह से रिएक्ट किया जाता है? कैसे गाड़ियों को तैयार किया जाता है? गाड़ियों में पानी भरा जाता है? किस तरीके से ये लोग काम करते हैं? क्या इनकी ट्रेनिंग होती है? परिवार वाले लोग उनकी नौकरी को लेकर जिस तरह की नौकरी होती है उसको क्या सोचते हैं? कभी भी बुला लिया जाता है, कोई तीज त्योहार, बच्चे की तबीयत खराब हो, तुरंत उन्हें बुला लिया जाता है और भेज दिया जाता है। नीचे जो सबसे लोअर स्टाफ होता है वहां से लेकर हायर जो सबसे स्टाफ होता है, जो सबसे ऊंची पोस्ट पर यहाँ पर होते हैं, उन तक को कई बार किसी किसी आग बुझाने की स्थिति में पहुंचना पड़ता है। किस तरीके से ये लोग नापते हैं कि जो आग लगी है वो किस लेवल की है, छोटे लेवल की, मीडियम या हाई, उन तमाम पहलुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे, देखेंगे और आपको रूबरू कराएंगे वाकई में क्या कंडीशन होती है एक फायर स्टेशन में। इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस के फायर स्टेशन में। आइए आपको ले चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हाल है, किन कंडीशंस में फायर कर्मी काम करते हैं। आइए मेरे साथ। चलिए मैं आपको शुरुआत एक छोटी सी आग पर काबू किस तरीके से पाया जाता है वहां से कराना चाहूंगी। ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये बहुत इनिशियल स्टेज वाली आग के लिए, और इस पर मुझे बताएंगे राजेश जी हैं मेरे साथ, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से इससे काम किया जाता है। राजेश, बेसिकली ये गाड़ी डिज़ाइन की गई थी बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज के लिए जहाँ पे आग बहुत इनिशियल स्टेजेस में हो, तो हमें जैसे सूचना मिलती है तो सूचना के आधार पे हम डिस्पैचेस करा देते हैं, तो कंट्रोल रूम हमारा डिस्पैच कराता है, तो ये पता चलता है कि बहुत ही शुरुआती स्टेज में आग है या छोटी आग है। तो वैसे ही जगह पे बड़ी गाड़ी को ले जाना है या बड़ी गाड़ी से होज लगा के और फायर फाइटिंग करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। चलिए, बाइक से पतली गलियों में घुसा जा सकता है जैसा कि राजेश जी बता रहे हैं, छोटी आग जो बहुत शुरुआती स्टेज होती है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं सतर्क कक्ष, वॉशरूम, इसमें किस तरीके से काम होता है, कितने लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं एट अ टाइम, वो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर किन परिस्थितियों में काम होता है। मेरे साथ है, आपका नाम सर? राकेश जी मेरे साथ है। राकेश जी, वॉशरूम है यहाँ पर, आप मुझे बताएं कि किस तरीके से काम होता है, क्या कॉल सबसे पहले यहाँ पर आता है? मैडम, ये हमारे कंट्रोल रूम से मैसेज आता है, फोन आता है या वायरलेस सेट पे हम कॉल लिखवाते हैं, हम कॉल लिखते हैं, कॉल निकले के तुरंत बाद ये हमारा सायरन है जो हमारे वो बजता है हूटर, हम उसको दबाते हैं और गाड़ी होगा तुरंत टर्न आउट एक मिनट में। सायरन बजते ही सब अलर्ट मोड पे आ जाते हैं? हाँ जी, सभी तैयार रहते हैं अपने बैरक में, जैसे ही सायरन की आवाज होती है सभी तुरंत भाग आते हैं। आप मुझे ये बताइए राकेश जी कि कितनी देर में रिस्पांस किया जाता है, क्विक टाइम आप मुझे बताएं कि कितनी वक्त में तुरंत आप आगे कंफर्म करें? जैसे ही हमारे पास कॉल आती है मैडम, उसके तुरंत एक मिनट के अंदर हम तुरंत एक आध सायरन से कॉल लिखते हैं, तुरंत एक डेढ़ मिनट का टर्न आउट है, दो मिनट आखिरी हम गाड़ी निकाल देते हैं। को कहूंगी यहाँ पर राकेश जी, हम देख रहे हैं आपके रजिस्टर में कुछ ब्लू पेन से एंट्री है, कुछ रेड पेन से है, मुझे इनमें डिफरेंस बताएंगे आप क्या है? नीले पेन से है मैडम, ये वैसी एंट्री है, और जो लाल से है ये फायर की या स्टैंड बाई, जो कॉल होती है ना, जो लाल एंट्री होती है वो कॉल की होती है, जैसे कहीं आग लगी है या कहीं स्टैंड बाई है कोई VIP, उनके लिए होती है लाल एंट्री। यहाँ पर एक है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी वो इसे कवर करे, यहाँ पे ये है पैथोलॉजी लैब, पेड़ पर पक्षी फंसा है, सहायता भेज दो जी। तो क्या ये गाड़ी निकल चुकी है? ये जा चुकी है, 11:11 पर कॉल आई और 11:12 पे गाड़ी निकाल। राकेश जी मुझे ये भी बताएं कि सबसे ज्यादा कॉल ये फायर सेंटर है जो अटेंड करता है पक्षियों को बचाने में, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है मैडम, 50% कम से कम कॉल पक्षियों की है। देखिए अक्सर आग बुझाने वाली स्थिति में सबसे ज्यादा पहले जहन में आता है कि बड़े बड़े फायर कर्मी पाइप्स के जरिए आग बुझा रहे होंगे, लेकिन कुछ आग ऐसी होती है जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ पर जो फॉर्म्स के ये केन रखे हुए हैं भरे हुए, और मेरे साथ राजेश कुमार जी हैं, ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से अगर जो फॉर्म से बुझाने वाली आग होती है किस तरीके से फटाफट से उस स्थिति में रिएक्ट किया जाता है, कैसे इन चीजों को कनेक्ट किया जाता है और उस आग पर काबू पाने की कोशिश होती है। राजेश,
मैम, जैसे नॉर्मली जो डिलीवरी पानी की जो हम देते हैं उसमें अगर अपने को फॉर्म यूज करना है तो ये जो ड्रम है इसके अंदर ट्यूब डाली जाती है और इस ब्रांच से हम फॉर्म का वो करते हैं स्प्रे। राजेश, फॉर्म की आग को बुझाने में अगर हम दूसरी आग की बजाय बात करें ज्यादा वक्त लगता है? नहीं, ज्यादा नहीं, टाइम तो कम लगता है बल्कि, क्योंकि अगर उस जलने वाले मटेरियल के ऊपर पूरी तरह से फॉर्म कवर हो गया उसके बाद में वो अपने आप बुझ जाती है, जल्दी आग काबू में आ जाती है, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। और मुझे आप ये बताइए, मैं यहाँ पर सिर्फ चार केन देख रही हूँ, मान लीजिए आग बहुत ज्यादा बड़ी है तो क्या इन वाली गाड़ियों के साथ साथ हर गाड़ी में ही ये फॉर्म होते हैं, फॉर्म के ड्रम से आग बुझाई जाती है, जो खासतौर से प्लास्टिक वाली आग होती है? राजेश जी ने बताया कि उस पर किस तरीके से काबू पाया जाता है। चलिए, हम पहुंच चुके हैं फायर कंट्रोल रूम। राजेश जी, चीफ डिविजनल ऑफिसर मेरे साथ हैं, जो बताएंगे कि फायर कंट्रोल रूम में किस तरीके से काम किया जाता है। चलिए, कंट्रोल रूम के अंदर है राजेश जी मेरे साथ हैं। कंट्रोल रूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सारी जो हमें राजेश जी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे स्टार्ट किस तरीके से होता है। राजेश जी, पहले जो भी कॉल्स आती हैं 101 पे या PCR से जो कॉल्स आती हैं वो सारी की सारी कॉल्स लैंड करती हैं हमारे टेलीफोन्स पे। टेलीफोन लाइंस हमेशा 24/7 मैंड होते हैं और इसमें जो ऑपरेटर्स बैठे हैं दे आर वेरी मच ट्रेंड इन पिकिंग अप द कॉल्स। जैसा कि आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं, इस फॉर्मेट पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं इमीडिएटली। ये देखिए, इस पे ये हमारा कॉल रिसीव वो है, कॉलर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और लोकेशन, लैंडमार्क, फेमस बिल्डिंग है वो इस पर लिखा होता है, ऑल डिटेल्स, किसके घर, जिसने फोन किया है उसका फोन नंबर क्या है, पूरा एड्रेस इस बुक पर होता है। कोई बच्चे फंसे हुए हैं, कोई पशु फंसा हुआ है, या रोड एक्सीडेंट है, या ट्रेन या एयर क्रैश है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस पर आएगी। ये हमारी PCR की हॉटलाइन है, PCR से भी कॉल आती है इधर, उसको हमें इमीडिएटली कॉल लेते हैं इसी पैड पर। जो कॉल पिक करते हैं तुरंत रिएक्ट करते हैं, ये पूरा वो स्टाफ है। इसके बाद कॉल पिक करने के बाद आगे कॉल पिक करने के बाद तुरंत ये कॉल यहाँ से डिस्पर्स होती है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी तक जहन में हो और उस आग को बुझाते वक्त आप किस उससे गुजरे हैं, किस स्थिति से, क्या उस टाइम पे मेंटली लेवल किस तरीके से काम करता है, क्या सिचुएशन होती है अगर हम मानसिक स्थिति की बात करें जब कोई बड़ा इंसिडेंट इस तरीके से सामने आता है? ये तो कॉल्स बहुत अटेंड करी है, ये 7000 कॉल्स के आसपास का एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन एक जो टचिंग इंसिडेंट मैं आपको बता सकता हूँ अर्पित होटल फायर की, जो काफ़ी मीडिया में भी काफ़ी चर्चा में रहा। उस कॉल पे मेरा थर्ड टर्न आउट था, हमारे स्टेशन का थर्ड टर्न आउट था। उस कॉल पे जब मैं पहुंचा, द मोमेंट वी रीच देयर, जो सिचुएशन मैंने देखी, फोर्थ फ्लोर की खिड़की से एक लेडी ने अपने छोटे से बच्चे को हाथ में पकड़ा हुआ है एंड शी वाज अबाउट टू ड्रॉप दैट बेबी। वो बच्चे को आग से जलने से बचाने के लिए नीचे गिराना चाहती थी, उसके हाथ कांप रहे थे और वो जोर से चिल्ला रही थी कि कोई मेरे बच्चे को पकड़ लो नीचे। उसको ये था कि मैं जल जाऊँ कोई बात नहीं, मेरा बच्चा ना जले। शी कुड नॉट सी हर बेबी दैट। तो जब हम सीन पे पहुँचे तो मेरे साथ मेरा ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट हाई राइज रेस्क्यू व्हीकल है, स्पेशलाइज यूनिट, और हमारे साथ मेरा बाउजर और मेरी टंकी थी, मतलब जो फर्स्ट टर्न आउट व्हीकल वो थी। जाने के बाद जो मेरे स्पेशलाइज्ड यूनिट का ड्राइवर है और मेरा खुद का, मेरे से कलीग है एक नितिन, स्टेशन ऑफिसर है वो भी, हम तीनों का फोकस उस लेडी पे हो गया कि बस गिरा मत देना, बच्चे को गिराना मत। हम ये कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हम पहुंच जाएंगे और टाइम से इसको रेस्क्यू कर लेंगे, सबको बचा लेंगे, जितने भी लोग खिड़कियों पर थे उस समय, 9 लोग खिड़कियों पर थे अलग अलग फ्लोर्स पर, और ये जो फैमिली थी ये फोर्थ फ्लोर पे थी, खिड़कियों से दे वर शाउटिंग फॉर हेल्प। हम सीन पे पहुंचते ही हमें ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि वी कैन सेव, लेकिन हमें ये डर लग रहा था कि पैनिक में ये लेडी बच्चे को छोड़ ना दे, डर इस बात का था। फॉर्चुनेटली पहुंचने के बाद नन ऑफ द पीपल डाइड, हमने सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया।
चलिए आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत बन रही हैं, चारों तरफ जिधर नजर जाए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग्स में अगर आग लग जाती है किस तरीके से उसको बुझाया जाता है? ये आप जो देख रहे हैं ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट, ये है, इसके जरिए ऊपर जाया जाता है। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि किस तरीके से ये काम करती है। हम आपको एक और बात पहले ही मैं बता देती हूँ कि ऑपरेशन कोई भी हम इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये फायर स्टेशन के अंदर खड़ी हुई गाड़ी है जिसके जरिए हम आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस लिफ्ट में चढ़ते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी हाइट पर जाकर किस तरीके से इससे काम किया जाता है, कैसे इसे ऑपरेट किया जाता है। मेरे कैमरा पर्सन भी मेरे साथ आएंगे। सुरेंद्र जी मेरे साथ इस स्काई लिफ्ट में है, ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट इसको कहा जाता है। अब धीरे धीरे ये देखिए हम वो बटन प्रेस कर रहे हैं वहाँ से नीचे से, वो पेडल प्रेस हो रहा है और धीरे धीरे ये जो स्काई लिफ्ट है ये ऊपर जाती जा रही है। सुरेंद्र जी कितनी हाइट तक ये ऊपर जा सकता है? ये 70 मीटर हाइट तक जा सकता है। 70 मीटर इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वहां तक जाता है ये। अगर कहीं ऊंचाई पे आग लग जाती है हम इसके जरिए जाकर वहां तक पहुंचते हैं। यस मैम। इससे इसके बाद आप आगे, मान लीजिए हमने ये लोकेशन पर हम आ गए हैं, है ना, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, पहले हम देखते हैं है प्रॉब्लम क्या है, या तो फायर है या किसी बंदे को हमें रेस्क्यू करना है, बचाना, जिसकी जान बचानी है उसके लिए हम काम करते हैं। सबसे पहले तो हम कोई बंदा फंसा हुआ है तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र जी ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन नरेश को कहूँगी दिखाए अभी हम कितनी हाइट पर आ गए हैं। अच्छी खासी हाइट पर अभी हम ऊपर हैं और जैसा कि सुरेंद्र जी आपने बताया था कि आप जो सबसे पहले आप वहाँ पहुँचे हैं, एक महिला जिसके एक हाथ में बच्चा था, एक हाथ से पकड़ा हुआ था, बच्चे को नीचे छोड़ने ही वाली थी, लेकिन आपने भरोसे में लिया, एक हाथ से आप स्टीयरिंग संभाले हुए थे, अपना एक्सपीरियंस प्लीज वो बताएं हमारे दर्शकों को। वो बहुत भयानक सिचुएशन थी, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, पहला टारगेट डायरेक्ट टारगेट बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे होना चाहिए। हमें गाड़ी ऑपरेट करने में कम से कम 2 मिनट तो लगती ही है, जब तक अगले बंदे को हम साथ मुन्ना देनी पड़ती है कि आप रिलैक्स हम आ गए कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने बात सुनी और उन्होंने कहा मैं सिर्फ 2 ही मिनट रुकूंगी, उसके बाद मैं। अच्छा, महिला ने आपसे कहा? हाँ। उस बच्चे की माने कि मैं सिर्फ 2 मिनट रुकूंगी, आपने कहा कि 2 मिनट बहुत है, बहुत है मेरे लिए, मैं वहां रुको। चेहरे की ये मुस्कान, ये भरोसा कि 2 मिनट बहुत है हमारे लिए, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला हुआ था सुरेंद्र जी ने, एक हाथ से उस माँ को जिसके हाथ में नन्ही सी जान थी उसको भरोसा दिलाया कि मैं आ गया हूँ और बचा लूंगा, और बचा लिया दोनों की जिंदगी। उसके फादर भी साथ थे, उनको दोनों तीनों को मैंने बचा लिया और उसी टाइम नीचे लेके आया और वो रिलैक्स हो गए। सुरेंद्र जी ऐसे जब आप जान बचाते हैं लोगों की, अंदर से भी एक अलग फीलिंग होती होगी कि हमने एक मौत के मुंह में जाते जाते शख्स को बचाया है। जिंदगी में ये इससे अच्छा मौका तो बहुत कम इंसानों को नसीब होता है। अच्छा, आप मानते हैं कि हम इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, हमारी जॉब इतनी अच्छी है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ इस काम से। बिल्कुल, आपका काम है ऐसा, ऐसी नौकरी है ये, ऐसी जॉब है ये कि जो एंड ऑफ द डे जब रात को आप अपने बिस्तर पर सोते हैं एक सुकून जहन में रहता है कि आज हमने इतने लोगों की जिंदगी बचाई, हमारी बदौलत, हमारे हौसले, हमारे हिम्मत की बदौलत हमने किसी की जान बचाई अपनी जान पर खेलकर। सुरेंद्र जी कोई ऐसा वाक्य देखिए, अब मैं साथ साथ आपको ये भी दिखाती रहा हूँ, हाइट हमारी लगातार ऊँची होती जा रही है, हम बहुत ऊँचाई पर आ गए हैं। देखिए अभी सिर्फ हम 22 मीटर पर हैं और 70 तक इसकी लिमिट हो सकती है। ये देखिए जो सामने नरेश, कैमरा पर्सन से कहूंगी, गोपाल दास बिल्डिंग हमारे सामने है, उस वाली हाइट तक ये क्रेन, ये स्काई लिफ्ट जा सकती है, ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट इसका नाम है, ये उस वाली हाइट तक जाती है। अभी हम बहुत नीचे हैं लेकिन इतनी ऊंचाई पर ही आकर मुझे लग रहा है कि बहुत हाइट पर हम आ गए हैं। सेफ्टी के लिए हम नहीं रखते जी। सुरेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, कोई आपको ऐसा वाक्य अभी भी याद हो जहाँ पर किसी शख्स की जान बचाते बचाते हाथ से छूट गई कुछ चीजें, कुछ थोड़ी सी देर हो गई और बहुत बहुत पछतावा हुआ, वो कभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा अभी तक तो कोई इंसिडेंस हुआ नहीं है, कोई नहीं, जहाँ तक हम गए हैं वहाँ पर हमने पूरा ही अपनी उससे काम किया है, चाहे कैसी सिचुएशन हो हमने काम किया उसमें। देखिए फायर फाइटर्स की जो जो काम है, मुझे इससे पहले नहीं पता था इनसे बात करने से पहले कि क्या होता है, और जो जज्बा इनमें मैंने देखा मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। ये गाड़ी जो मेरे साथ सुबह से राजेश शुक्ला जी मुझे बता रहे हैं सीनियर ऑफिसर की किस तरीके से काम होता है, उनकी पर्सनल कार है, पर्सनल कार में भी देखिए अगर ड्यूटी पर नहीं भी हैं
तो भी अगर मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा देखते हैं तो पर्सनल गाड़ी में ऐसा इंतजाम है कि जो स्पिरिट उनकी है वो वहाँ भी उनको काम करने से नहीं रोकती है और वहाँ भी कूद कर आग बुझाने में लोगों की मदद करते हैं, लोगों की जान बचाने में। राजेश जी, आपकी पर्सनल गाड़ी है? एक्चुअली ये ऑफिशियल पर्सनल गाड़ी है, जो मुझे अलॉट की गई है। देखिए, ये बहुत आपने अच्छी बात बताई कि आपके पूरे सामान इसमें है जिससे आग बुझाई जा सकती है। क्या क्या इसमें आप मुझे बताइए। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरा फायर सूट है। अच्छा, इसमें फायर जो फायर सूट है इसमें ये फायर सूट है जिसको पहनते हैं जब आग बुझाई जाए। ये मंकी कैप है जो इस एरिया को हीट से बचाती है। ग्लव्स हैं, ये ट्यूनिक है जो फायर जैकेट जिसको बोलते हैं। तो अगर ड्यूटी पर नहीं है तो भी ड्यूटी का सामान साथ लेकर चलते हैं। देखिए, ये जज्बा है काम करने का। फायर सूट के अलावा मुझे बताइए राजेश जी, और ये हेलमेट? ये हेलमेट है जी, गमबूट्स आगे रखे हुए हैं। ये ब्रीदिंग एपरेटस सेट है जो आप नीचे देख रहे हैं। ये धुएं में काम करने के लिए है। तो सपोज हम इस धुएं में आपको बचाता है सफोकेशन से? जी, एक्चुअली इसमें कंप्रेस्ड एयर होता है जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, जो स्मोक फील्ड एनवायरनमेंट होता है या टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे ये काम में आता है। और ये बहुत ही वाइटल इक्विपमेंट है फायर ब्रिगेड यूज़ के लिए। तो मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, इंस्पेक्शंस पे जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, उस समय मैं टर्नआउट पे नहीं भी हूँ और मेरे सामने कोई आग लग जाती है, कोई धुएं में ट्रैप्ड है, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑफिशियली कोई टर्नआउट हो। चलिए सुरेंद्र जी ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं किसी काम में बाधा किसी के नहीं डाल रही हूँ। जो सर्विस स्टेशन पर, फायर स्टेशन पर जो गाड़ी खड़ी है, मैं उससे आपको चीज़ों से वाकिफ करा रही हूँ। ड्राइविंग सीट पर हैं, ड्राइविंग सीट पर सुरेंद्र जी हमारे साथ, जो कि बताएंगे हमें सबसे ज़्यादा। सुरेंद्र जी, जब आपकी गाड़ी निकलती है कहीं भी आग पर काबू पाने के लिए, क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी रास्ते में करती है? मैम, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा तो परेशानी वाली चीज़ आपके पास ट्रैफिक है। आप रोड पे चल रहे हो, आपका अलार्म बजा हुआ है, आप हॉर्न भी दे रहे हो, तो बंदों को कोई परवाह नहीं मेरा क्या जा रहा है, बस वे अपनी धुन में चलते रहते हैं। यानी कि आप मान रहे हैं लोगों को भी ट्रैफिक सेंस नहीं है, कोई जगह नहीं देते हैं फायर अलार्म सुनने के बाद भी? कोई कोई बंदा होता जो सुना और साइड हो गया, वरना ये सोचते कि इसके आगे रहेंगे निकल जाएंगे अच्छे से, या पीछे पीछे चलते रहेंगे। उसमें हमारा चारों तरफ ध्यान होता है, आगे साइड में हाइट पे गाड़ी है थोड़ी, बाइक वाले का पता लगता नहीं, ऊपर टहने वो इलेक्ट्रिक वायर, ऊंची गाड़ी है तो मतलब एक तरह से पूरा सतर्क होकर चलना पड़ता है और जल्दी पहुंचना होता है जी। उसके लिए हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि जो प्लीज़ अलार्म जब बजा हो फायर को, तो उसमें ये देखिए कहाँ कितने बंदे फंसे हों, ये नहीं पता उनको, ये सोचते हैं कि ये जो ऐसे ही बसते हुए घूमते रहते हैं। ट्रैफिक को लेकर बड़ी परेशानी बताई, लोगों से अपील भी की गई कि रास्ता दो आप ट्रैफिक में अगर कोई आपके पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है। शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से काम ड्राइविंग सीट वाले शख्स का होता है, सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, हर तरीके से सोचना, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह देखना होता है। चलिए, राजेंद्र अटवाल डिविजनल ऑफिसर हैं जिनके घर में आपको लेकर आई हूँ, उनकी वाइफ से हम बात करेंगे, जानेंगे उनके क्या एक्सपीरियंस रहते हैं जब घर से निकलते हैं किसी बड़े ऑपरेशन में शामिल होने के लिए। आइए जाते हैं। चलिए, आपको मैं फील्ड से अब घर तक ले आई हूँ, जाबाजू से। असली हीरो हैं उनसे तो मैंने आपको मिलवाया, लेकिन हीरो बनाते कौन हैं, घर वाले ही बनाते हैं। घर वालों की हिम्मत ही होती है, उनका साथ होता है, जिसके चलते वो अपने काम को बखूबी कर पाते हैं और पैर डगमगाते नहीं हैं। मेरे साथ रेनू जी हैं, रेनू जी सीनियर ऑफिसर की वाइफ हैं। रेनू जी, मुझे आप ये बताइए, इतने सालों से सर इस फील्ड में हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस में उन्होंने हिस्सा लिया है, उनमें कामयाबी भी हासिल की है, कभी आपको ऐसा लगा है कि इतना जोखिम भरी जॉब है ये? आप जा तो रहे हैं लेकिन आग बुझाना, इतने बड़े खतरों से खेलना, कभी ये लगता है कि मेरे हस्बैंड को इस वाली जॉब में नहीं होना चाहिए था, कभी लगा ऐसा? लगता है, एक बार ट्रैप हुए थे ये किसी फायर पे, तो काफ़ी सीरियस हो गए थे, फिर लेके गए हॉस्पिटल, कभी लगता है, लेकिन लगता है कि ये इनकी जॉब है, इनको मज़ा आता है ये करने में। 60 डिग्री टेम्परेचर पर काम करना, कभी कभी जब आग बुझाते हैं तो ऊपर वाले फ्लोर से जो गर्म गर्म उबलता पानी शरीर पर गिरता है, स्किन जल जाती है, छाले पड़ जाते हैं, उन परिस्थितियों में असलियत में काम करते हैं ये फायर फाइटर्स। उम्मीद यही करती हूँ इस प्रोग्राम के जरिए आपको असली जो काम का तरीका है वो पता चल पाया हो,
क्यों देरी होती है, दिल्ली के ट्रैफिक की वजह से देरी होती है वक्त पर नहीं पहुंच पाने में? फोन कॉल्स उठाई जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ग्राउंड रियलिटी क्या होती है।